दशहरा कार्यक्रम में वकीलों के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। वकीलों ने कहा लेंगे कानून का सहारा। बीते 19 अक्टूबर को टीआरएस मैदान में दशहरा कार्यक्रम के दौरान वकील के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है। इस मामले में एफआईआर दर्ज न होने से अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने इस मामले में दुख जताते हुए कहा कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और कानून का भी सहारा लेंगे। हम आपको बता दें कि अधिवक्ता अनुज त्रिपाठी के साथ पुलिस ने टीआरएस मैदान में मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए टीआई बिछिया विनोद सिंह को निलंबित कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज होनी चाहिए तथा अन्य दोषियों के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। आज पत्रकारों के बीच राज्य अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश ने भी कार्यवाही के लिए पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए अब हम भी कानून का सहारा लेंगे। आइए सुनते हैं और क्या कहा श्री उपाध्याय ने। उनके पास ये वीडियो फुटेज भेजे, उनका फोन आया कि मैंने आईजी को डायरेक्ट किया है, आईजी ने फोन लगाने के बाद काट दिया। हमने लगाया तो आईजी ने फोन काट दिया। जब डीजीपी से फोन किया तब आईजी ने कॉल बैक किया। हम संयम बता रहे हैं, जो संयम हम बरत रहे हैं। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद मैंने चीफ जस्टिस को लिखा, जो है वो पत्र उन्होंने डाक से भेजा, एक कॉपी हमें भेजी। उस पत्र को व्हाट्सएप में हमने डीजीपी को भेजा और डीजीपी से फिर कहा कि आप रीवा पुलिस जो है, रीवा पुलिस एफ आई आर नहीं दर्ज कर। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से कल पांडे जी और हम लोग मिले, मुख्यमंत्री से भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि रुकला को व्हाट्सएप में फिर डीजीपी का लेटर भेजा और रुकला जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी को मेरा अनुरोध बता दीजिए कि इसमें अपराध कायम है, कि चीफ जस्टिस के लेटर को इग्नोर कर रही है। तब आज हमने तय किया कि अब हम कानून का सहारा।